13.2.3 गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियों में अंतर संबंध। वस्तु की गोली दर्पण से भिन्न भिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की गोली दर्पण से दूरी भी भिन्न भिन्न होती है और प्रतिबिंबों के आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। क्या इन विभिन्न परिस्थितियों में दर्पण से संबंधित भौतिक राशियों में कोई एक निश्चित संबंध हो सकता है? इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियों को सर्वप्रथम चर एवं अचर राशियों में बांटने की कोशिश करते हैं। किसी एक गोलीय दर्पण के लिए ये राशियाँ इस प्रकार हैं। पहला, अचर राशियाँ। इन राशियों का मान एक दर्पण के लिए निश्चित होता है। दूसरा, चर राशियाँ। इन राशियों का मान एक दर्पण के लिए बदलता रहता है। इन राशियों को हम सारणी में सूचीबद्ध करके अध्ययन करेंगे। अचर राशियाँ, दर्पण की फोकस दूरी F, दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, वस्तु की लंबाई H। चर राशियाँ, वस्तु की दर्पण से दूरी U, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी V, प्रतिबिंब की लंबाई I, दर्पण की आवर्धन क्षमता M। अब हम इन राशियों के मध्य संबंधों को सूत्र के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। 13.2.4 गोली दर्पण की फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R में संबंध। गोली दर्पण के इन अचर राशियों F व R में संबंध स्थापित करने के लिए हम गोली अवतल दर्पण लेते हैं तथा किरण आरेख की सहायता से पूर्व में पढ़ी गई गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करते हुए संबंध स्थापित करेंगे। इसके लिए चित्रानुसार एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका मुख्य अक्ष CP, ध्रुव P, फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C है। चित्रानुसार हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण AB अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस F से होकर जाती है। अतः यह CB गोलीय दर्पण की परिधि के बिंदु B पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होगी। अतः कोण ABC बराबर कोण CBF परावर्तन के नियम से। समीकरण एक, चूंकि AB मुख्य अक्ष CP के समांतर यानी कि AB समांतर CP है और BC उन्हें काटती है, अतः कोण ABC बराबर कोण BCF, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। समीकरण दो, अब त्रिभुज CBF में समीकरण एक व दो से कोण BCF बराबर कोण CBF, अतः CF बराबर BF, क्योंकि समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। समीकरण तीन, यदि बिंदु B दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत समीप हो और दर्पण की वक्रता कम हो तो BF बराबर PF। समीकरण चार, अतः समीकरण तीन व चार से CF बराबर PF। समीकरण पाँच, अब PC बराबर CF धन PF, परंतु पाँच से PC बराबर PF धन PF, PC बराबर दो PF, PF बराबर PC बटे दो, अर्थात फोकस दूरी बराबर एक बटे दो वक्रता त्रिज्या, अतः F बराबर R बटे दो। अतः किसी गोलीय यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह संबंध उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है। यह संबंध अधिक वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पणों में तथा ध्रुव के निकटस्थ बिंदुओं के लिए ही मान्य है। 13.2.5 गोली दर्पण की फोकस दूरी F, दर्पण से वस्तु की दूरी U व प्रतिबिंब की दूरी V में संबंध। दर्पण का सूत्र। गोली दर्पण में ध्रुव से वस्तु दूरी U कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी V कहलाती है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी F कहलाती है।
इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस सूत्र को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, 1/v धन 1/u बराबर 1/f। यह संबंध सभी प्रकार के गोली दर्पणों के लिए तथा वस्तु की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में आए f तथा r के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। अवतल दर्पण के लिए u तथा f के मान सदैव ऋणात्मक होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान ऋणात्मक तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान धनात्मक होता है।